प्रभु भक्ति में लवली। आचार्य मान्यतुंग, भगवान ऋषभ देव की भक्ति में अवगाहित होते हुए उन्हें अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु लोकोत्तर है, इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में उनके समतुल्य कोई नहीं। ऐसी एक ही भी उपमा नहीं है जो उनको दी जा सके, और ऐसा एक भी तत्व नहीं है जिससे उनकी तुलना की जा सके। वे अनुपम है, अतुलनीय है, उनका किसी से कोई मेल नहीं है, फिर भी भक्ति होती है। और भक्ति जब हृदय में प्रवाहित होती है तो भक्त का मन मानता नहीं। जब भी हम किसी प्रिय या आकर्षक व्यक्ति और वस्तु के प्रति जुड़ते हैं तो हमारा मन तुलना करने के लिए उठता है, आखिर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जान रहे हैं कि इनके समकक्ष कोई नहीं, कोई इसकी सानी नहीं, फिर भी आचार्य मानतुंग विभिन्न प्रतीकों को, विभिन्न तत्वों को भगवान के समक्ष रख करके देखते हैं कि देखे तो सही क्या इनमें कोई अंतर है या नहीं, और अंततः पाते हैं नहीं, प्रभु तो इससे भी श्रेष्ठ है। वे कभी दीपक को सामने रखते हैं, कभी चंद्रमा सूर्य को सामने रखते हैं, कभी चंद्रमा को सामने रखते हैं, और प्रभु के अंदर एक अलग दीप, एक अलग सूर्य और अलग चंद्र की का दर्शन कर लेते हैं। भगवान आपके समकक्ष कोई नहीं, और आज मैं आपकी भक्ति में एक तान हो रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वाकई में आप तो केवल आप हो, आपसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। इसी भाव भूमिका के साथ आचार्य मानतुंग की दृष्टि एक दीपक पर पड़ी। दीपक का काम प्रकाश फैलाना है, तो उन्होंने उस दीपक को सामने रखकर भगवान ऋषभ देव की तरफ दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें लगा कि आपके भीतर दीप तो है लेकिन इस दीप से बिल्कुल अलग। लोक में जो दीप होता है वो मिट्टी का दिया होता है, उसमें रोशनी तब होती है जब वो तेल से लबालब भरा होता है, तेल से भींगी बाती होती है और उसमें लौ लगाई जाती है। पर जब कभी भी दीपक में रोशनी होती है तो दीपक शुद्ध प्रकाश नहीं दे पाता, उस दीपक के प्रकाश के साथ साथ धुआं भी निकलता है, कालिमा भी निकलती है, उसका कालुष्य भी प्रकट होता है। उस दीपक के साथ एक और कमजोरी है कि वो हल्के से हवा के झोंके से बुझ भी जाता है। दीपक प्रकाश फैलाता है तो अति सीमित क्षेत्र में फैलाता है। प्रभु ये एक दीपक है और मेरी दृष्टि जब आपके तरफ जाती है तो आपके भीतर भी मुझे एक दीप दिखता है, एक ऐसा दीपक जिसमें ज्योति है, प्रकाश है पर धुआं नहीं है, ऐसा दीपक जो ज्योतिर्मान है पर जिसमें तेल नहीं, बाती नहीं, ऐसा दीपक जो एक बार जल उठे तो कभी बुझने का नाम न ले, और ऐसा दीपक जो पूरे लोक को एक साथ प्रकाशित करता है। प्रभु
आपके अंदर मुझे एक अपर दीप का दर्शन हो रहा है। वह अलौकिक दीप, उस दीप का दर्शन हो रहा है। मेरी दृष्टि एक जड़ दीप पर जा रही है, एक परम चैतन्य दीप पर जा रही है, और उसी के साथ साथ मुझे मेरे भीतर का दीप भी नजर आ रहा है। इसी भाव के साथ आचार्य मानतुंग क्या कहते हैं, हम पहले छंद लें। निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूर पवर्जित तैल पूर कृष्णम जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपो परस्त्वमशीनाथ जगत् प्रकाश दीपो परस्वमसिनाथ जगत प्रकाश। हे नाथ तम अपर दीप असि, हे नाथ आप अपर दीप हैं, अपर जिससे ऊपर कोई नहीं, श्रेष्ठ उत्कृष्ट दीप है, परम दीप है, जगत प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। कैसा दीप आपके भीतर मुझे दिख रहा है? निर्धूम जिसमें धुआं नहीं है, वर्ति निर्वर्ति जिसमें वत्ती नहीं है, रपवर्जित अपवर्जित तेल पूरा जो लबालब तेल से भरा नहीं, जिसमें तेल का पूर नहीं यानी तेल नहीं, और कृष्णम जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि, इदम जगत्रयम् कृष्णम प्रकटीकरोषि, इस तीन लोक को कृष्णम यानी पूरी तरह एक साथ प्रकटीकरण करता है यानी प्रकाशित करता है, पूर्ण पूरे के पूरे तीन लोक में एक साथ प्रकाश फैलाने वाला है। गम्यो न जातु मरुताम चलता चलाना, चलता चलाना मरुताम, मरुत बोलते हैं वायु को, ऐसी वायु जो बड़े बड़े पर्वतों को अचलों को भी चलायमान कर दे, ऐसे मरुत यानी आंधी तूफान के द्वारा भी गम नहीं है, यानी जिसे दुनिया की कोई आंधी कभी बुझा नहीं सकती। हे प्रभो आप दीपः परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश, हे नाथ हे जगत प्रकाशी आप अपर दीप हो। बंधुओं एक जल दीप की जब हम चर्चा करते हैं तो जल दीप की सारी कमजोरियां अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, प्रभु शाश्वत दीप है, और जो दीपक प्रभु के भीतर है वही दीप हमारे भीतर भी है। ये चैतन्य दीप है, पर अभी दीप तो जल रहा है, हमारा दीप भी जल रहा है, बुझा हुआ नहीं है। हमारे अंदर की संचेतना इस बात को बता रही है कि मेरे भीतर का दीप अभी प्रज्वलित है, लेकिन इस दीपक में अभी धुआं है, इस दीपक में अभी धुआं है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा वो धुआं कहां उड़ रहा है। इस दीपक में जो रोशनी है उसके लिए बाती का भी आलंबन जरूरी है, और इस दीपक के साथ तेल भी जुड़ा हुआ है, और ये दीपक पल पल प्रभावित होता है, इसका प्रकाश कभी तेज कभी मंद होता रहता है। प्रभु आज आपके दीप को देखकर मुझे मेरे भीतर के दीप की बात दिख रही है। देखिए भगवान के अंदर का जो दीप है
उसमें किसी भी प्रकार की कालिमा नहीं, कालुष्य नहीं, धुआं नहीं, केवल प्रकाश। धुआं का मतलब जिसमें कालुष्य हो, जिसमें व्याकुलता हो, जिसमें धुंधलापन हो, जिसमें गर्मी हो। भगवान के इस ज्ञान दीप में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कर्म से रहित हैं। कालुष्य है ज्ञानावरण कर्म, थोड़ा इसे ढंग से समझिए। कालुष्य कालिमा का नाम है, और हमारे साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञानावरण कर्म है हमारे ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, वो अंधेरा ले आता है। प्रभु ने ज्ञानावरण कर्म को खत्म कर दिया तो उनके अंदर किसी तरह का कालुष्य नहीं। दर्शनावरण कर्म दूसरा है, जो हमारे लिए चीज़ों को देखने नहीं देता। ये धुंधलापन है, जो धुएं का धुंधलका होता है। आपके अंदर वो धुंधलका भी नहीं है, क्योंकि आपने दर्शनावरण कर्म का विनाश कर दिया। मोहनी कर्म है, जो हमें आकुलता व्याकुलता देता है। जिस पल मनुष्य का मन मोह से अभिभूत होता है, वो सहज शांत नहीं रह पाता, निर्बाध नहीं रह पाता, व्याबाधत्व का अनुभव नहीं कर पाता। चित्त में आकुलता व्याकुलता होते रहती है, और ये आकुलता व्याकुलता आपकी विनष्ट हो गई, क्योंकि आपने धुएं को घातिया, कर्म रूपी धुएं का अंत कर दिया। और चौथा कर्म है अंतराय कर्म, जो हमारे अंदर की शक्ति को, हमारे अंदर के उत्साह को, हमारे अंदर के उमंग और उल्लास को खंडित करता है। प्रभु, आपने उसे नष्ट कर दिया। आप परम दीप बन गए। दीपो परस्तमशिनाथ जगत प्रकाश। चारों घातिया कर्म का क्षय कर देने के कारण आप परम दीप हो गए। पर मैं अपने अंदर देखता हूं तो ये चारों कर्म मेरे साथ है। मेरे अंदर का ज्ञान प्रकट तो हो रहा है, लेकिन पूर्ण प्रभा के साथ नहीं। मेरे ज्ञान के ओठ में भी अज्ञानता का धुआं है। जानता थोड़ा हूं, अज्ञानता ज्यादा है। यह मेरे ज्ञान की दुर्बलता को बताता है। मेरी आत्मा की शक्तियां सीमित है, उत्तरोत्तर शक्ति छीन होता जा रहा हूं। प्रभु, आज आपकी शरण में आया तो मैं देख रहा हूं मेरे अंदर कर्म का कालुष्य है। मैं देख रहा हूं मेरे अंदर मोह का धुआं है। मैं देख रहा हूं मेरे इस दीपक में राग का तेल जमा हुआ है, और जिससे कर्म क्षोभसम की बाती जल रही है, और मेरा ज्ञान बहुत सीमित हो चुका है। आपकी शरण में आने के बाद मुझे मेरे होने का एहसास और आभास हुआ है। और एक बात जरूर हमने देखा, जब कहीं दीप जलाया जाता है, एक दीप जलानी पड़ती है अनेक दीपों को जलाने के लिए। एक दीप को जब हम जलाते हैं तो उस दीप से अनेक दीप जल जाते हैं, और जब सब दीप जल जाते हैं तो पता ही नहीं लगता किस दीप ने किस दीपक को जलाया। प्रभु, मुझे इस रहस्य का बोध है, और मैं आपकी शरण में केवल इसलिए आया हूँ कि आपकी लौ से मेरे हिये की दिए की लौ लग जाए, ताकि मैं भी आपकी तरह प्रज्वलित हो उठूं। मेरी आत्म संचेतना जागृत हो, मैं आत्म बोध से लवरेज हो सकूं, और अपनी आंतरिक शक्तियों को उद्घाटित करके आपके समकक्ष हो सकूं।
प्रभु मेरा दीप अभी ये जागतिक दीप बना हुआ है, पारमार्थिक दीप बन जाए, मेरे अंदर की विकृतियां दूर हो जाए, मेरे अंदर की बुराइयां दूर हो जाए, मेरे कर्म का कालुष्य नष्ट हो जाए, तो आपकी ये वंदना सार्थक हो जाए। हम इस आध्यात्मिक प्रेरणा को अगर लेकर चले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बंधुओं, हमें अपने भीतर वैसे ही दीप की आवश्यकता है। सच्चाई ये है कि प्रभु के अंदर जो दीपक है वही दीपक हमारे भीतर भी है, पर हमें उसकी पहचान नहीं। बहुत पुरानी पंक्तियां हैं जो आज के संदर्भ में मैं सुना रहा हूँ। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव की कोशिश किया, दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा, दिया जहाँ भी जैसी भी मिली रोशनी अक्ल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुश्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुश्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का ज्यों ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। एक दिन एक कांतिमान दिया मुश्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का ज्यों ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर, इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूम रही है घर घर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर, दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। काश प्रभु के इस दीप में हम अपने अंतर दीप को पहचानें और उसे उद्घाटित करने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को नई उपलब्धियों तक पहुंचा सकेंगे। अब आगे चलते हैं। प्रभु दीपक तो है ही, आप जड़ दीप तो नहीं हैं, थोड़ा सूरज से आपका मिलान करके देखता हूँ। सूरज आप में सूरज जैसा दिखता तो है, देखूं क्या सामने। देखिए, नास्तम कदाचिदुपयाशिन राहुगम्य, स्पष्टी करोषि सहसायुगपजगन्ती, स्पष्टी करोषि सहसायुगपजगन्ती। नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव। सूर्यातिशायी महिमाशि मुनीन्द्रलोके, सूर्यातिशायी महिमाशि मुनीन्द्रलोके। प्रभो आपके सामने मैं जब सूरज को खड़ा करके देखता हूँ तो मुझे सूरज के दर्शन तो होते हैं, पर इस जागतिक सूरज से भिन्न है। इस जागतिक सूरज में अनेक गुण हैं, पर उसकी कई ऐसी कमियां हैं जिसके कारण वो आपके सामने कहीं नहीं टिक पाता। जगत में सूर्य उगता है तो कभी अस्त होता है, उदित होता है, अस्त होता है, कुछ घंटे तक अपना प्रकाश फैलाता है और डूब जाता है।
दूसरी बात, कभी कभी वो ग्रहण से भी ग्रसित हो जाता है, राहु उसे ग्रस लेता है। तीसरी बात, वो एक सीमित क्षेत्र तक ही प्रकाश करता है, कोई भी सूर्य पूरे दुनिया को एक साथ प्रकाशित नहीं कर पाता, भूतल और भूतल में भी एक निश्चित हिस्से में, यहाँ दिन है तो अभी अमेरिका में रात है। चौथी बात, कभी कभी बादलों के ओट में छिप जाता, अभी सूरज के दर्शन नहीं हो रहे 3 दिन से। प्रभु, ये दुर्बलता ही सूरज की है, लेकिन आपके भीतर झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका सूर्य कभी अस्त होने वाला नहीं है, सदा उदित रहने वाला है। आपको कोई ग्रहण नहीं ग्रस सकता, आपका सूर्य सारे जगत को एक साथ प्रकाशित करता है, तीनों लोकों को प्रकाशित करता है, और किसी भी प्रकार के बादल की ओट में वो नहीं आ सकता। हे प्रभु, इसलिए ऐसा लगता है कि आपका यह सूर्य, आप में जो सूर्य है, वो इस सूर्य से भी महिमाशाली है। सूर्यातिशायी महिमासि मुनिन्द्र लोके, आप सूर्य नहीं अतिशायी सूर्य हो। छंद का अर्थ देखें, फिर आज आपको 3 सूर्य से मिलाएंगे। नास्तम कदाचित उपयासी, हे प्रभु, आपका ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता। न राहु गम्य, ऐसा कहते हैं कि राहु की छाया पड़ने से सूर्य पर ग्रहण आता है, सूरज काला हो जाता है, दिन में रात्रि जैसा अंधेरा हो जाता है, आपको कोई राहु ग्रस नहीं सकता। फिर कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोसि, स्पष्टी करोसि सहसा युगपत जगंती, सहसा एक साथ एक झटके में, युगपत एक साथ जगंती, तीनों लोकों को प्रकटी करोसि प्रकाशित करता है, एक साथ तीनों लोकों में अपना प्रकाश फैला देने वाला है। गम्योन नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, वो बादलों की ओट में कभी आने वाला नहीं है। आपके भीतर का सूर्य महान प्रभाव रखता है। हे प्रभु, हे मुनिन्द्र लोक में, आप तो, आपकी महिमा सूर्य से भी अतिशायी है। अर्थ समझ में आ गया? हे प्रभु, आपकी महिमा लोक में सूर्य से भी अतिशायी है, क्योंकि आप कभी अस्त नहीं होंगे, आप कभी राहु जैसे ग्रह से ग्रसित नहीं होंगे, आप पर ग्रहण नहीं लग सकता, आप तीन लोक को एक साथ प्रकाशित करते हो, आपको कोई बादल की ओट नहीं मिलती, और आप महान प्रभाव वाले हो, इसलिए आप सूर्य से भी अतिशायी हो। देखिए, जगत के सूर्य से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो ये सब हमारे आत्म सूर्य के साथ भी जुड़ता है। अगर हम देखते हैं तो हमारा आत्मा ध्रुव तत्व है, उदित होना यानी जन्म और अस्त होना यानी मरण। आत्मा का ना जन्म होता है न मरण, पर हमारी पर्यायें उत्पन्न होती और नष्ट होते रहती है। यद्यपि मैं शाश्वत हूं, मेरा ज्ञान शाश्वत है, लेकिन कर्म के बंधन से बंधा होने के कारण अभी मैं जन्म और मरण के चक्कर में फंसा हूं। जन्म और मरण के चक्र में फंसा हूं, कभी जन्म हो रहा है कभी मरण, मेरा ज्ञान भी कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो मैं उदित और अस्त होने वाला हूं। किसके कारण? कर्म के कारण। न राहु गम्य, प्रभु आप तो, ये राहु क्या है? राहु 9 ग्रहों में एक ग्रह माना जाता है,
कहते हैं राहु की छाया जब सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण लग जाता, काला हो जाता, राहु का रंग काला मानते हैं। ये राहु कौन है? कर्म रूपी राहु, जो हमारे आत्म सूर्य के ज्ञान प्रकाश को पूरी तरह प्रकट नहीं होने देता। ये कर्म का राहु है। हम आप सबका ज्ञान कर्म राहु से प्रभावित है। कभी पूर्ण ग्रहण तो नहीं लगा, लेकिन खंड ग्रास तो है। लब्धक्षर का अनंत महाभाग ज्ञान निगोदिया जीव के पास रहता है, लेकिन राहु है ये कर्म का। कर्म की जितनी प्रगाढ़ छाया होगी हमारा ज्ञान उतना कुंद होता है, और कर्मावरण जितने विरल होते हैं हमारा ज्ञान उतना प्रखर बनता है। तो हमारा ज्ञान कर्म रूपी राहु से प्रभावित है। प्रभु आपका ज्ञान त्रिलोक और त्रिकाल को एक साथ प्रकाशित करता है। मेरा ज्ञान सीमित है, सुबह का शाम को याद नहीं रहता, शाम का सुबह याद नहीं रहता, इतना तो मेरा ज्ञान है। धन्य हो आप, आपकी और मेरी महिमा कहाँ? और नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभावा, जैसे बादल सूर्य के तेज को रोक लेते हैं, आपके अंदर कर्म के बादलों का कोई रोल नहीं, क्योंकि आपने अपने ध्यान के तेज के बल से साधना की वायु चलाकर सारे बादलों को उड़ा दिया, निरभ्र हो गए। पर अभी हमारे आत्मा में ये कर्म का आवरण है, जितना क्षोभसम उतना झीना प्रकाश हमारे भीतर प्रकट होता है। प्रभु आपके संपर्क में आने के बाद मैं अपने भीतर के उस सूर्य को प्रकट करना चाहता हूँ जो आप जैसा सूर्य है। प्रभु सच में आपकी महिमा सूरज से भी अधिक अतिशायी है। ये सूरज आपके आगे कहीं नहीं लगता, और आपकी शरण में आने के बाद मुझे लग रहा है कि जो सूर्य आपके भीतर है वही सूर्य मेरे भीतर है। प्रभु ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं अपने भीतर के सूर्य को प्रचंड प्रताप के साथ प्रकट कर सकूं। अब सूरज से तुलना हो गई, थोड़ा चांद से मिलान करके देखें। लोक में चंद्रमा का भी बड़ा महत्व है, तो चांद की क्या दशा है? अगला क्षण, नित्योदयं दलित मोह महांधकारम्, यम दलित मोह महांधकारम्, गम्यम न राहु बदनश्य न वारिदानम्, गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानम्, बिभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, बिभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, विद्योतयत् जगद पूर्व शशांक बिंबम्, विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम्। प्रभु जब चंद्रमा को आपके सामने लाकर देखता हूँ तो आपके भीतर भी एक चंद्रमा का दर्शन होता है, लेकिन वो अपूर्व चंद्र है। लोक में जो चंद्रमा होता है वो उदित होता है, अस्त होता है, पूर्णमासी को पूर्ण होता है, अमावस्या को शून्य हो जाता है, लेकिन आपका मुखचंद्र हमेशा खुला है। नित्योदयम, नित्य उदित रहने वाला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है,
पर आपका यह मुखचंद्र दलित मोह महांधकारम सारे संसार के मोह रूपी महांधकार का नाश कर देता है। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु अदनश्य न वारिदाना न कर्म रूपी राहु के मुंह में जाता है। लोक का चंद्रमा तो राहु ग्रस लेता है, ग्रहण लगता है उस चंद्रमा को, लेकिन आपके मुखचंद्र को कोई ग्रहण नहीं लगने वाला, क्योंकि आपने उसे ग्रसने वाले राहु रूप कर्म को ही खत्म कर दिया। न वारिदाना नहीं मेघों से वारिद यानी मेघ बादलों से भी वो ओट में आने वाला नहीं, क्योंकि आपने अपने कर्म के बादलों को पूरी तरह छांट दिया है। बिभ्राजते तौ मुखाब्ज मनल्प कांति तौ मुखाब्ज आपके मुख कमल की अनल्प कांति, चंद्रमा की कांति है पर अल्प कांति है, आपके मुख रूपी चंद्रमा की मुख कमल की अनल्प कांति, अल्प नहीं अनल्प है। बिभ्राजते शोभायमान है विद्यो तयत जगद पूर्व शशांक बिंब जगत विद्योतयत तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ आपका यह मुख कमल अपूर्व शशांक बिंबम। चंद्रमा तो है पर कैसा अपूर्व, जिसके समकक्ष कोई दूसरा नहीं है। ये चंद्रमा उदित होता अस्त होता है, सुबह होते हुए तो पांडु पलाश कल्पम हो जाता है, पलाश के पीले पत्ते की तरह तेजहीन हो जाता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक घट जाता है। बीच बीच में न जाने कितनी बार राहु उसे ग्रस लेता है और बादलों की ओट में उसका अता पता नहीं लगता, लेकिन प्रभु आपका आपके भीतर जो चंद्र है वो अपूर्व चंद्र है, नित्य उदित रहने वाला, कभी भी कर्म रूपी राहु से ग्रसे न जाने वाला, कर्म रूपी बादल जिसे कभी आच्छादित न कर सके, सारे लोक में एक साथ अपना प्रकाश बिखेरने वाला ये चंद्र अपूर्व चंद्र है, इसलिए सूरज चांद आपके आगे कहीं नहीं लगते। तो अब बोलते हैं सूरज चांद का लोक में उपयोग है, बिना सूरज चांद के लोक का उपयोग नहीं होगा। पर आचार्य मानतू कहते हैं प्रभु आपके दर्शन के बाद मुझे सूरज चांद से कोई मतलब नहीं, लोक में मतलब होगा, मेरा काम तो आपसे सद गया। कैसे सो देखिए, किं शर्वरीषु शशिनानि विवश्वता वा किं शर्वरीषु शशिनानि विवश्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमशुनाथ युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसुनाथ निष्पन्नशालिवन शालिनी जीवलोके निष्पन्नशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरेर् जल भारे नम रहे कार्यम कियत् जलधरैर् जल भारे नम रहे। हे भगवान, चंद्रमा की उपयोगिता रात में है क्योंकि चंद्रमा अंधेरा छाटता है, सूरज की उपयोगिता लोक में दिन में है क्योंकि सूरज हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, स्फूर्ति देता है, प्रकाश देता है। पर प्रभु ये जरूरत लोक को होगी, मुझे नहीं। अब मुझे सूरज चांद किसी से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं।
मेरे प्रयोजन की पूर्ति तो आपसे हो गई, जब आप मुझे मिल गए तो मुझे सूरज चांद से क्या लेना देना, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। किम सर्वरी सुशसिना, सर्वरी यानी रात, रात में चंद्रमा से क्या, और अन्य विवश्वता वा, अन्य अन्य बोलते दिन को, अहन से अन्य बोलते हैं, अन्य यानी दिन में, विवश्वत यानी सूर्य से क्या, रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन और दिन में सूरज से क्या मतलब। क्यों, युष्मन मुखेन्दु दलिते सुतमस सुनाथ, जब आपके मुख चंद्र के प्रताप से अंधेरा छट गया तो मुझे रात में चंद्रमा से और दिन में सूरज से क्या मतलब। कोई मतलब नहीं, क्योंकि सूरज और चांद की यही उपयोगिता है कि वो प्रकाश देते हैं, और जिसने पूरा ये अंधेरा समाप्त कर दिया, जहाँ अंधेरा ही ना हो वहाँ सूरज और चांद से क्या मतलब।